चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी उसी समय तुरंत प्रशासन अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने काम में जुट गए। नूरपुर उपमंडल अधिकारी आवेद हुसैन सादिक ने आदेश दिए हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर जो कि चुनाव 2017 से संबंधित हैं, जो कि चुनाव चिन्ह को दर्शाते हों, जो सरकारी जगह पर लगे हों, उन्हें 24 घंटे के अंदर उतार दिया जाए। जो बैनर प्राइवेट जगह पर लगे हैं उनको 72 घंटे के अंदर आज्ञा लेनी होगी। एसडीएम नूरपुर आवेद हुसैन सादिक ने कहा कि सभी कॉलेज, सरकारी संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, नगर परिषद को आदेश दिए गए हैं कि बैनरों को तुरंत हटाया जाए ताकि आचार संहिता के नियमों का पालन हो। एसडीएम नूरपुर ने खुद ही उपमंडल स्तर और नगर परिषद में जाकर जायजा लिया और अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिए कि राजनीतिक पार्टियों के बैनरों को तुरंत हटाया जाए। कि आज अनाउंस हो गए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी से एनफोर्स हो गया है, तो हमें ये निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पब्लिक प्लेसेस पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो हमने जो है उतार देनी है। और जो भी प्राइवेट बिल्डिंग्स पर होर्डिंग्स है वो 72 घंटे में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या जिस भी कैंडिडेट की होगी उसने परमिशन सीक करनी है उनसे, और वो लेटर जो है वो प्राइवेट पार्टी का लेटर जो है वो हमें देना है ताकि फिर वो हम उनके इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर में है उसको ए करें। तो आज से लागू हो गई है, और जहां पर भी हमने सारे विभागों को लिखा हुआ है कि जहां पर भी उनकी प्रॉपर्टी है अगर वहां पर भी किसी की पॉलिटिकल पार्टी की होर्डिंग्स है वो उनको उतार के 24 घंटे के अंदर हमें कल 4 बजे सर्टिफिकेट देना है कि कोई भी ये पब्लिक प्लेस पर कोई भी उनके प्रॉपर्टी में होर्डिंग्स नहीं है। और हमने अपने सेक्टर ऑफिसर जो भी लगे हमारे 12 सेक्टर ऑफिसर्स उनको भी चिट्ठी निकाली है कि जो जो उनके सेक्टर्स हैं वहां पर वो राउंड मार के जाएंगे और वो देखेंगे कि पब्लिक जो प्लेसेस है वहां पर कोई होर्डिंग तो नहीं है, अगर है तो उसको उतार देना है। तो ये तो सबसे पहला काम है जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमने करना है।